कर दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार अर्जुन को धमकी देने वाली प्रीता ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मेरी बेटी काव्या के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। लेकिन दोस्तों, अब फिलहाल अर्जुन ने ठान लिया है कि किसी भी तरीका से मुझे प्रीता के साथ में शादी करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे प्रीता से बस शादी करनी है। और शादी के बाद में आप लोग जानते हैं कि प्रीता से शादी करने का मकसद क्या है, क्योंकि उसे अपनी बेटी काव्या को लेने का मकसद है, इसलिए वो शादी करने का प्लान बना रहा है अर्जुन। अर्जुन का मानना ये है कि एक बार कैसे ही प्रीता से शादी हो जाए तो उसके बाद में मेरी बेटी काव्या मेरे पास रह जाएगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से लगातार काव्या को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुमकिन कोशिश इसीलिए कर रहे हैं अर्जुन ताकि ऋषभ और प्रीता को भी अलग किया जा सके, इनको इनकी औकात याद दिलाई जा सके। लेकिन दोस्तों, आप लोग जान पाएंगे कि एक बार फिर से अंजलि अर्जुन से बोलती हुई नज़र आने वाली है कि अर्जुन, ये लोग इस लायक नहीं है जो लायक तुम इन्हें समझ रहे हो, इनको इतनी रेस्पेक्ट किस लिए बख्श रहे हो। जिसके बाद में अर्जुन बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि अंजलि तुम फिक्र ना करो, इनको तो मैं ऐसा लाइन पर ले आऊँगा कि उसके बाद में ये तरसेंगे कि हाँ हमें कोई बंदा मिला था। जो इन लोगों ने किया है अर्जुन और ऋषभ और प्रीता ने, इसका तो इनको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर सभी घर वाले कहीं ना कहीं आज भी अर्जुन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अर्जुन की पसंद एक ये भी है कि अर्जुन का जो बिहेवियर है वो वाकई में बिल्कुल नेचुरल है और सबको काफ़ी अच्छा भी लगता है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही अर्जुन एक बार फिर से घर पर प्रपोजल देगा प्रीता की शादी के लिए, जिसके बाद में प्रीता बहुत ज़्यादा अपसेट होती हुई नज़र आने वाली हैं कि आखिरकार ये अर्जुन बोल क्या रहा है और ऐसा बोल क्यों रहा है। साथ ही दोस्तों, अर्जुन की बात को एक बार फिर से घर वाले लूथरा परिवार पूरे सुनते हुए नज़र आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज़।